सभी बेटियां जब मेडल जीत कर लाती हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे आकर हौसला अफजाई करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब यही महिला पहलवान खिलाड़ी सड़कों पर उतरने के लिए उतारू हो जाती हैं, बिलखने के लिए रोने पर मजबूर हो जाती हैं, तो उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए यही प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी साध लेते हैं। तो सवालों के घेरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वो महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ नहीं है, विनेश फोगाट के साथ नहीं है, जो टोक्यो ओलंपिक के दौरान तमाम तरीके से मीडिया के सामने ये दिखाते हुए नजर आ रहे थे, ये तो मेरे घर की बेटी है, मैं इनके परिवार के साथ खाना खाऊंगा और चर्चा करूंगा और आप अगर हार जाती हैं तो आपको दुख नहीं मनाना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए कि आने वाले वक्त में आप मेहनत करके बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। लेकिन आप यहाँ पर ये देखेंगे कि यही प्रधानमंत्री पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं और वो कोई और नहीं, यहाँ पर विनेश फोगाट सवाल दाग रही और सबूत दिखाती हुई पेश होती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। विनेश फोगाट ने कहा है कि जब टोक्यो ओलंपिक के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साफ तौर पर कहा था, जब यहाँ पर मीडिया के सामने हंसी होती हुई नजर आ रही थी, मजाक होता हुआ नजर आ रहा था, हौसला अफजाई हो रही थी, उसके बाद उन्होंने एक सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन एक इशारा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि उनके साथ गलत हो रहा है, बृजभूषण शरण सिंह यहाँ पर गलत व्यवहार लड़कियों के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं। लेकिन विनेश फोगाट के इस बयान को सुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आपकी बात सुनी जाएगी, आप इस मसले को लेकर खेल मंत्री के पास जाइए, अनुराग ठाकुर के पास जाइए, यानी कि साफ तौर पर जाहिर हो गया कि प्रधानमंत्री ने तो पल्ला झाड़ दिया, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को कह दिया। लेकिन अनुराग ठाकुर की बात की जाए तो उन्होंने यहाँ पर कमेटी बनाते हुए इस मसले को दबाने की कोशिश की। विनेश फोगाट ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री ने उनकी नहीं सुनी, ये जो हम धरने पर बैठे हैं यहाँ हम अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं, यहाँ हमें इंसाफ चाहिए, प्रधानमंत्री को हमने काफ़ी वक्त पहले ही इस बारे में बता दिया था कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई भी प्रतिक्रिया ना देते हुए अनुराग ठाकुर को कहा कि इस मसले को देखिए, और अनुराग ठाकुर ने ये बात बृजभूषण तक पहुँचा दी और बृजभूषण ने इन्हें धमकी दी कि आपकी हत्या करवा दी जाएगी अगर यहाँ पर आप धरना देती हैं या उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाती। तो साफ तौर पर जाहिर हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के लिए नहीं देखे जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए नहीं देखे जा रहे, और मन की बात में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बातें करते हुए देखे जाते हैं। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि प्रधानमंत्री बुरी तरह से फंस चुके हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए या ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह अपना बचाव कर पाएंगे, क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।